राजेश्वरा नंद महाराज का आज यहाँ पे सत्संग चल रहा था, जहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए और सनातन धर्म की बात सुने। यहाँ पे गुरुजी ने सबको संसार में किस तरह से रहना चाहिए, समाज में किस तरह से रहना चाहिए, परमात्मा में लीन किस तरह से होना चाहिए, सबको यहाँ पे ज्ञान दिए। मैं आपको बता दूँ कि भरत मिश्रा ने आज ये कार्यक्रम रखा था, जहाँ पे यहाँ पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पे मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास व कई पूर्व नगर सेवक पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इस सत्संग को सुनने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। चलिए बात करते हैं, क्या कहना है गुरु जी महाराज का। सनातन धर्म इस धरती का अनादि धर्म है, उससे पहले कोई धर्म नहीं था, उसके बाद भी कोई नहीं है। सनातन धर्म के ही बात को, जैसे ईश्वर एक है, ये सबसे पहले वेदों के ऋषियों ने उसे एक नित्य तत्व को, परमात्मा को खोज निकाला तपस्या करके, उसी बात को गीता में बताए, आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, उसी एक परमात्मा को, और उसको प्राप्त करने की विधि बताए यज्ञ। उस यज्ञ को करना कर्म है, उस कर्म का आचरण धर्म है, जिसमें आता है एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना, नाम का जप करना, इंद्रिय संयम करना, ये सनातन धर्म की विधि है, सनातन आत्मा को विदित करने की विधि है, और इसी को सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब वो आत्मा मार्गदर्शन करे, हम भजन करें, परमात्मा का चिंतन करें, नाम का जप करें, और नाम जप करते करते ईश्वर के निर्देशन में ईश्वर को जान लें, ये सनातन धर्म है। आजकल पहले से ही जो है, आजकल समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं सनातन धर्म के नाम पर, तो ये जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, अगर गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, गीता की विधि, गीता के अनुसार सनातन धर्म का हम आचरण करेंगे, तो ये जो कुरीतियाँ हैं सब खत्म हो जाएंगी। केवल हम लोग गीता को भूल गए हैं, इसलिए कई तरह की कुरीतियाँ सनातन धर्म के नाम पर फैल गई हैं। तो जब सबका परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने के लिए विधि एक है, परिणाम में मिलने वाली स्थिति एक है, लेकिन जो साधना है वो केवल सनातन धर्म का जो गीता है धर्मशास्त्र उसमें बताई गई है। बाकी सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जैसे एक ईश्वर, तो एक ईश्वर को लेकर के मुसलमान कहते हैं एक अल्लाह है, लेकिन उसको कैसे प्राप्त करना है, ध्यान करना है, ये वो नहीं बताते। ऐसे ही ईसाई लोग कहते हैं परमेश्वर एक है, लेकिन ध्यान करके साधना करके उसको पाना है, ये वो नहीं जानते ना बताते। मौका ही नहीं मिला ईसा को बताने के लिए, मोहम्मद साहब को भी मौका नहीं मिला, वो तो सब लड़ते झगड़ते ही सब उनका टाइम बीत गया। जो सही विधि है वो गीता में बताई गई है, और हिंदुओं के पास जो महात्मा हैं, सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, उनके पास ये विधि आज भी है, ईश्वर को प्राप्त करने की विधि, और वो एक जागृति है। वो विधि अपना कहने सुनने से नहीं आती है, जैसे ही उस परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होती है, महापुरुष मिलते हैं, वैसे ही वो सनातन परमात्मा स्वयं जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगता है, संयम करना कराने लगता है, और खुद ही दृष्टि देता है, खुद ही प्रत्यक्ष हो जाता है, स्वयं की दृष्टि से उस साधक उस भक्त को दर्शन देता है। गुरुकुल मंदिर इसका नाम नहीं है, सनातन मैंने बताया कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, उस सनातन परमात्मा को विदित करने की विधि का नाम सनातन है। और वो क्या है, केवल आधा घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का टाइम निकालो, नाम का जप करो, बस एक 10 मिनट रोज बैठो, नाम जपो, यही सनातन धर्म है और कुछ नहीं है। बाकी बाहरी परंपरा जो आप कह रहे हैं, ये परंपरा है, परंपरा धर्म नहीं होती है, ये परिवर्तनशील है। कभी इंद्र की, वरुण की पूजा होती थी, अब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, भविष्य में किसी और की होगी, तो जो आज हैं कल बदल जाएंगे, ये सनातन नहीं है, ये तो लोगों ने बनाया है। सनातन आपके अंदर है, शरीर छूट जाता है फिर भी रहता है, शाश्वत सनातन परमात्मा, वो सनातन, उसको धारण करना सनातन धर्म है, और ना कि बाहरी पूजा पाठ है। तो परंपरा है, रीति रिवाज है, कल आज किसी की कोई व्यवस्था है और 100 साल बाद दूसरी व्यवस्था हो जाएगी, पहले सती प्रथा एक व्यवस्था थी, अब नहीं है, तो ये सनातन धर्म की चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं दे, क्योंकि वो खुद नहीं जानते भाई, खुद जब आप बताओगे, रोज़ उसको बैठाओगे नाम जप में, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत बताओ, सिर्फ उसको 10 मिनट रोज़ नाम जप में लगा दो, सारी चीज़ें, सारी संस्कृति जो आप कह रहे हैं ना, नहीं सिखा रहे हैं, वो अपने आप उसको भगवान पढ़ा देंगे। केवल 10 मिनट बैठ के नाम जपे, उसको केवल बोलो कि ओम का जप करो, और कुछ नहीं, हमको सुधारना है, क्योंकि सुधारने वाले बहुत आए और बिगड़ गए, नहीं लोग सुधारना नहीं है, केवल बैठा के एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करने के लिए बोलो, और बच्चे को भी नाम का जप कराओ, वो नाम का जप उसको सब कुछ सिखा देगा। बड़े बड़े अज्ञानी लोग हुए, वाल्मीकि हुए,
सिखा दिया कि नहीं वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। तो इतने उद्दंड लोगों को सुधार के रास्ते पर ले आता है, तो बच्चे लोग तो सरल होते हैं, उनको थोड़ा सा बस दो चार दिन बैठाने में मेहनत पड़ेगी तो खुद ही नाम का जप कर लेंगे। जी महाराज जी की कथा से ज़्यादा मैं उनका सत्संग कहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने विचार हमारे सनातन धर्म के बारे में विचार बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाए। जो हमारे ब्रह्म थे, आर्य कौन, द्रविड़ कौन, जो हम सदियों से यही मानते आए थे, उनका भी उन्होंने विश्लेषण किया और बहुत सुंदर मार्गदर्शन हुआ। और सब श्रद्धालु जो यहाँ आए थे वो भी बड़े भक्तिभाव से आज ये ज्ञान प्राप्त करके उनको भी बहुत आनंद आया, और हमें भी जो थोड़ा बहुत हमने सुना एक ज्ञान वर्धन ही हुआ हमारा। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे सत्संग बार बार होते रहे। परम पूजनीय राजेश्वरानंद जी शास्त्री महाराज जी का आज प्रवचन था, और अपने आप के अंदर बड़ा ही अद्भुत भक्तिमय वातावरण यहाँ पे देखने को मिला। और स्वामी जी ने जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और हिंदू संस्कृति के बारे में जो जानकारी दी अपने आप के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पे समस्त मीर रोड के भक्तों ने उनके विचारों को अपने मन में उतारा है, और स्वामी जी ने आज जो भी उनके विचार रखे उन्हें इस मीरावेंद्र शहर के जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम सभी लोग मिलकर करेंगे। और बहुत ही आध्यात्मिक कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर था। मैं इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ।